गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मजा आ रहा है? जबरदस्त मजा आएगा। थोड़ा सा ध्यान दो तो बायोलॉजी बल्ले 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 बल्ले। समझ में आया? हाँ बेटा, ये सेल साइकिल का तुम्हारा लास्ट मियोसिस सेल डिवीजन बताएंगे। थोड़ा सा मियोसिस समझना है प्यारे। एक्चुअली क्या होता है कि जितना बुक पढ़ोगे ना, तो उसमें जो डायग्राम रहता है तो वो जो क्रोमोसोम मारे बहुत सा बना देता है। तो थोड़ा सा बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज होता है। तो ऐसे तो क्रोमोसोम तुम्हारा 23 पेयर हो जाएगा ना एक सेल में। तो आप जो एक पेयर क्रोमोसोम में होगा वही दूसरे पेयर ऑफ क्रोमोसोम में होगा। इस तरीके से उसको देखिए। क्या बात है रियाज, तो टप गए 110 बच्चा। वाह क्या बात है। चलो धीरे धीरे लगता है मेरी ख्याति बढ़ रहा है। आप लोगों की कृपा है, ख्याति बढ़ा रहे हो। सोनम, प्रीति, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या हाल है प्रीति तुम्हारा? ठीक है? पापा ठीक हैं? निधि, समझ में आ रहा है निधि कि नहीं? आप तो खाली कमेंट में जो है ना सर का ही बड़ाई करोगे। कभी कभी थोड़ा सा देखो, जहां नहीं समझ में आता है वो कमेंट करके पूछो हमसे। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। ये माइटोसिस समझ में आ गया। अब ये मियोसिस सेल डिवीजन जो है, ये जब भी होगा डिप्लॉयड होगा। ये दिमाग कान खोल के सुन लो, माइटोसिस तुम्हारा हैप्लॉयड में भी हो सकता है और डिप्लॉयड में भी होगा, लेकिन मियोसिस सेल डिवीजन जब भी होगा तो डिप्लॉयड सेल में होगा। और ये जब भी होता है रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। उसी रिप्रोडक्टिव सेल को क्या बोलते हो? सेक्स सेल बोल देते हो। और उसमें जो क्रोमोसोम होता है उसको ओलोसोम बोल देते हो या सेक्स क्रोमोसोम बोल देते हो। और इसी मियोसिस सेल डिवीजन के चलते तुम्हारा स्पर्म या ओभा का फॉर्मेशन होता है। और ईच स्पर्म और ओभा दैट कैरी हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। या तो वो मदर का क्रोमोसोम कैरी करेगा या तो वो फादर का क्रोमोसोम कैरी करेगा। वो हैप्लॉयड सेट रहता है। बना कहां से? डिप्लॉयड से। अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जैसे माइटोसिस में तो आप सिंपली पढ़े, एक सेल डिवाइड किया, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, दोनों डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम था जो पेरेंट में था। यहां पे क्या होता है, एक सेल डिवाइड होता है, फोर डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है एंड ईच डॉटर सेल कंटेन हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एज द पेरेंट कंटेन। इसीलिए इस मियोसिस सेल डिवीजन को कहा जाता है रिडक्शनल सेल डिवीजन। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। ये देखो मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन, देखो क्या कहता है, ए सेल डिवीजन इन व्हिच डिप्लॉयड सेल डिवाइड टू फॉर्म फोर डॉटर सेल एंड ईच डॉटर सेल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या कहता है देखो, इट हैपेंस ओनली इन सेक्स सेल। ये याद करना बेटा, ये जब भी होगा तो कहां होगा? सेक्स सेल में ही होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। देख लो ड्यूरिंग मियोसिस, देखो कहता है द सेल गोज थ्रू ए टू सेल डिवीजन। यहां पर दो सेल डिवीजन होता है, एक होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड। और क्या कहता है देखो, बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ द डीएनए। यहां पर दो सेल डिवीजन होता है, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकेंड, लेकिन डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए यानी वो जो एस फेज में जो डीएनए का अमाउंट बढ़ता है वो एक साइकिल में एक ही बार होगा, दो बार नहीं होगा आपका। ये हमेशा याद रखना। अब यहां पर देखो होता क्या है, जैसे समझो ये देखो, ये डिप्लॉयड है एक सेल। अब देखो ये क्या होगा, पहले ये डिवाइड करके दो सेल बनाएगा। ये देखो
ये देखो डिप्लोइड सेल डिवाइड करके दो सेल बनाया और ये हैप्लोइड हो गया, तो इसी को कहा जाता है मियोसिस फर्स्ट, और इसी को रिडक्शनल सेल डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि यहां पर 2n था, अब ये क्या हो गया nn। फिर देख लो ये दोनों, अब देख लो अब यहां पर मियोसिस सेकेंड होगा, और देखो इससे भी दो सेल बनेगा, इससे भी दो सेल बनेगा, तो इस तरीके से देखो वन सेल डिवाइड टू फॉर्म फोर डॉटर सेल्स एंड ईच डॉटर सेल कंटेन हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, सच टाइप ऑफ द सेल डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस सेल डिवीजन। समझ में आया कंसेप्ट, समझे? पहले क्या किया, रिडक्शनल कर दिया, हाफ कर दिया, और ये डबल है बेटा, ये सिंथेसिस फेज है, और ये जो सेकेंड मियोसिस जो देख रहे हो जस्ट लाइक द माइटोसिस सेल डिवीजन, ये इक्वेशनल सेल डिवीजन हुआ। मियोसिस फर्स्ट क्या हो गया, रिडक्शनल सेल डिवीजन, इसीलिए मियोसिस को कहा जाता है रिडक्शनल सेल डिवीजन। समझ में आया, कोई दिक्कत तो बोलो। हाँ होता है, इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, कौन क्वेश्चन पूछा है, हाँ होता है बेटा, नॉन डिसजंक्शन होता है कभी कभी, क्या होता है एक क्रोमोसोम जो है डिवाइड नहीं कर पाता है, एक ही में तो एक में डबल तो क्या होगा ट्रिप्लोइड बन जाएगा, याद करो जेनेटिक डिसऑर्डर में 21 क्रोमोसोम नंबर ट्रिप्लोइड हो जाता है, एक में कुछ हो नहीं रहता है जीरो, तो ये यहां पर वो नहीं, उतना नहीं जाओ डीप में, पहले ये समझो, ध्यान दो मियोसिस पर। अब देखो मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज में क्या होता है, ये मियोसिस जो फर्स्ट का जो प्रोफेज होता है सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, और इसको फिर फर्दर सब फेज में डिवाइड किया है। देख लो क्या कहता है, लॉन्गेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स फेज ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम बिहेवियर इट सब डिवाइडेड इनटू, ये याद करना, देखो लेप्टोटीन जाइगोटिन पैचिटिन डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस, पांच सब फेज में बांटे हुआ है। अब एक एक करके पढ़ोगे, देखो लिप्टोटीन में क्या होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस बताए थे ना, एक क्रोमोसोम मदर का एक क्रोमोसोम फादर का, उसका पेयरिंग शुरू हो जाता है लिप्टोटीन में। देख लो जाइगोटिन में देखो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, वो पेयर्ड हो जाता है, यहां पर देखो डायग्राम से देखो, यहां पर देखो ये यहां पर इसको एक ही पढ़ना, ये डबलिंग दिखा दिया है, ये देखो ये सिस्टर क्रोमोटिड, ये सिस्टर क्रोमोटिड, लेकिन एक लोगे तब क्या होगा, एक ले लो इसको इस तरीके से, ऐसे देखो ये आपस में आता है, पेयरिंग शुरू हो जाता है। जाइगोटिन में देख लो पेयर्ड हो गया एकदम, अब यहां पर देख लो क्या होता है, यहीं पर समझो, ये एक क्रोमोसोम ये दूसरा, ये डबलिंग दिखा रहा है बेटा सिंथेसिस में, जो देख रहे हो डबलिंग है, तो ये और ये क्या हो गया नॉन सिस्टर क्रोमोटिड हो गया, ये दोनों हो गया सिस्टर क्रोमोटिड, ये दोनों सिस्टर, अब ये ब्लू और रेड देखोगे तो ये नॉन सिस्टर क्रोमोटिड हो जाता है। ये देखो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कॉल्ड साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स होता है, बाइवैलेंट चेंज इनटू द टेट्राड। एक्चुअली क्या होता है, जब हमने देखो ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा, जब दोनों साथ आवेगा, ये देखो दोनों साथ आ गया, तो दो देखा रहता, इसी को बाइवैलेंट स्टेज का, दो क्रोमोटिड इधर दो नीचे दो बाइवैलेंट, लेकिन ये दो नहीं है, इसमें दो और है, तो यही लास्ट में क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। देखो ना यहां पर दो दो बन गया है, तो अब क्या हो जाएगा, दो से चार टेट्राड हो जाएगा, देख लो यहां पर
पैचीटिन में क्या कहता है, अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स द साइट एट व्हिच क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमोटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम। यही मेन चीज है पैचीटिन में। ये क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द जीन टेक्स प्लेस। क्या होता है यहां पर ध्यान से देखो, मान लो एक ये देखो इसका ये दूसरा है, ये देख लो। अब यहां देखो ध्यान से, हमने क्या बोला ये टेट्रार्क था, तो अब ये एक क्रोमोजोम ये दूसरा क्रोमोजोम, आप देखो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर, यहां पर देखो क्रॉस किया यहां पर, ठीक है। इसी क्रॉसिंग क्या होता है, कहां होता है, ये पैचीटिन में, ये याद करना। देखो कहता है क्या कहता है, देखो अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोडुल्स द साइट एट व्हिच क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम। रिकॉम्बिनेशन नोडल्स का मतलब यहां पर ये फॉर्मेशन होता है जहां पर क्रॉस करता है। अब देखो क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोजोम। अब देखो यहां पर जो ये एंजाइम मीडिएटेड होता है और एंजाइम जो यूज होता है वो रिकॉम्बिनेज, ये रिकॉम्बिनेज ही डिसाइड करेगा कि क्रॉसिंग ओवर कितना ज्यादा हो रहा है। जितना ज्यादा क्रॉस करेगा क्या होगा, माने लूप जितना जहां जहां क्रॉस करेगा एक्सचेंज ऑफ जीन उतना ज्यादा होता है, और ये एंजाइम मीडिएटेड होता है, इसलिए याद रखना एंजाइम क्या है, रिकॉम्बिनेज। अब देखो डिप्लोटीन में क्या कहता है, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनैप्टिकल कॉम्प्लेक्स, जहां ये अटैच रहता है वो डिजोल्व होता है। देखो क्या कहता है, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड काइजमेटा। ये यहां पर देखो ना, ये एक्सेप्ट बनता है यहां पर, देखो ना ये यहां डायग्राम देखो, ये देखो एक ये ऐसे है एक ये ऐसे है, एक्स तो ये जहां पर ये एक्स है बना, इसी को काइजमेटा कहा जाता है। और ये काइजमेटा जो है तुम्हारा टेक्निकल प्रॉब्लम बेटा। अब देखो ये उस साइट में क्या होता है, काइजमेटा तुम्हारा लास्ट वन ईयर तक रह जाता है। डायकिनेसिस में देखो क्या कहता है, टर्मिनेशन ऑफ द काइजमेटा। अब ये देखो ये ऐसे भागेगा, देखो तो यहां से ये टूटेगा, तो देखो ये रेड वाला जो है इस ब्लू वाला से अटैच हो जाएगा, ये ब्लू वाला रेड में अटैच हो जाएगा, तो यही एक्सचेंज ऑफ जीन होता है डाइकिनेसिस। देखो निकोलियोलस डिसअपीयर एंड द न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो डिसअपीयर हो जाता है, जो प्रोफेज का लास्ट में होता है तुम्हारा। अब देखो मेटाफेज फर्स्ट में क्या कहता है, क्रोमोजोम पेयर लाइनअप, क्रोमोजोम अरेंज एज ए पेयर इन द मिडिल ऑफ द सेल, स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोजोम। एनाफेज फर्स्ट में देखो कहता है, क्रोमोटिड पेयर आर टॉर्न अपार्ट, दे डू नॉट सेपरेट, सिंगल क्रोमोजोम मूव टू अपोजिट साइड ऑफ द सेल। टेलोफेज में क्या कहता है, सेल डिवाइड, नो मोर रिप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, नो मोर कॉपी ऑफ डीएनए आर मेड बिफोर इट डिवाइड अगेन, ईच हैज हाफ द नॉर्मल नंबर ऑफ द क्रोमोजोम। ये देखो ये मेटाफेज का दिखाया है, देख लो ये तो जो माइटोसिस में पड़े वही चीज है। ये देखो मियोसिस टू में आ जाओ, तो हमने बताया था कि मियोसिस टू इज नथिंग जस्ट लाइक द माइटोसिस, जो माइटोसिस में पड़े वही फेनोमेना यहां होगा। देख लो अब प्रोफेज टू, वहां मियोसिस फर्स्ट को प्रोफेज फर्स्ट बोले, देखो यहां कहता है द सेल प्रिपेयर टू डिवाइड अगेन, ईच क्रोमोजोम इज मेड ऑफ टू कॉपी सिस्टर क्रोमोटिड, दिस इज एग्जैक्टली लाइक द माइटोसिस।
ये देखो मेटाफेज टू में क्रोमोसोम लाइन अप इन द सेंटर ऑफ द सेल, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द इंडिविजुअल क्रोमोसोम। देख लो डायग्राम देख रहे हो, देखो मेटाफेज में या देखो ये सेंटर में आया हुआ है, ध्यान से देख लो। फिर देखो एनाफेज में देखो क्या होगा, स्प्लिट करेगा, अपोजिट पोल की तरफ भाग रहा है, देख लो। देखो क्या कहता है, वंस क्रोमोसोम आर ए पार्ट दे मूव टू द अपोजिट साइड ऑफ द देखो टीलोफेज सेल मेम्ब्रेन अपीयर। एंड सेल डिवाइड, देखो साइटोकाइनेसिस स्प्लिट द साइटोप्लाज्म इनटू द फोर न्यू डॉटर सेल, देखो दो फोर डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। ये मियोसिस देखो दिखाया कैसे कैसे होता है, जो समझाए थे देख लो, पेरेंट सेल क्रोमोसोम कॉपी फर्स्ट डिवीजन पेयर स्प्लिट, देखो ये डायग्राम देखो ध्यान से देख लो। ये इतना मियोसिस सेल डिवीजन में तुमको पढ़ना था, थोड़ा हम फास्ट भागे हैं, ज्यादा नहीं समय दिए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मियोसिस में सबसे मेन तुमको पढ़ना है प्रोफेज फर्स्ट के बारे में, जो पांच सब स्टेज होता है वो चीज आपको उसमें क्या क्या क्रॉसिंग ओवर क्या है, उसी क्रॉसिंग ओवर के चलते क्या होता है एक्सचेंज ऑफ जीन होता है, जिसके चलते वेरिएशन होता है, और वही वेरिएशन एक न्यू कैरेक्टर को लाता है, धीरे धीरे वो न्यू कैरेक्टर क्या होता है एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है। इसलिए हम शुरू में बताए थे मियोसिस का दो पर्पस होता है, टू मेंटेन द कांस्टेंट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम जनरेशन टू जनरेशन, और दूसरा क्या होता है आपका वेरिएशन, वो इवोल्यूशन को बढ़ावा देता है। ठीक है, बाय।